हेलो फ्रेंड्स, हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो दोस्तों। इसके पहले मैंने कॉम्प्लेक्स फंक्शन की सीरीज के अंदर दो वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखे हैं, उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन और मैपिंग के बारे में मैंने बेसिक बताया था। और इसके अलावा फ्रेंड्स, मैंने कन्फॉर्मल मैपिंग और आइसोगोनल मैपिंग के बारे में भी अलग से वीडियो बनाया था। तो मैंने कहा था लास्ट वीडियो के अंदर आगे अपन प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, तो उसी सीरीज के अंदर दोस्तों मैंने क्वेश्चन लिया, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है दोस्तों, काफी बार एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, भले वो गेट का एग्जाम हो या फिर आपके जो सेमेस्टर के पेपर्स हो। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ये है कि अपन को ये प्रूव करना है कि अपन को दो, मतलब ये प्रूव करना है, क्या प्रूव करना अपन को, अपन को ये प्रूव करना है कि अगर मैं W इक्वल टू वन माइनस जेड अपॉन वन प्लस जेड, दो W यहाँ पे दे रखे हैं, W इज इक्वल टू एफ जेड, अपने पास रिलेशन होता है जो कनेक्ट करता है W प्लेन को Z प्लेन से, W इक्वल टू वन माइनस जेड अपॉन वन प्लस जेड और W इक्वल टू जेड माइनस वन अपॉन जेड प्लस वन, ये दो W पे अगर मैं ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन अगर मैं लगा दूं, क्या ट्रांसफॉर्मेशन है, मोड W लेस देन इक्वल टू वन, अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे लगा दूं W प्लेन में, तो corresponding Z प्लेन में मैपिंग क्या होगी, रियल पार्ट ऑफ Z ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, ये अपन को यहाँ पे प्रूव करना है। तो दोस्तों प्रूव करने के लिए शुरुआत कहां से करें, यही से शुरुआत कर लेते हैं। क्या दे रखा रिलेशन अपन को, अपन को रिलेशन दे रखा है मोड W लेस देन इक्वल टू वन, तो यहां से अपन क्या कह सकते हैं कि मोड W इक्वल टू वन भी होगा, क्योंकि यहाँ पे दो कंडीशन है। अब अपन ये भी यहाँ पे बोल सकते हैं कि मोर डब्ल्यू स्क्वायर भी क्या होगा, वन होगा, बिल्कुल सही बात है। एक इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है कि डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू आर मोर डब्ल्यू स्क्वायर होता है, या फिर कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन हो, अगर जेड भी होगा तो जेड इंटू जेड बार क्या होगा, मोर जेड स्क्वायर होगा। तो मोर डब्ल्यू स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं, डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू बार माइनस वन इक्वल टू जीरो, सही बात है। अब वैल्यू डाल लेते हैं, अपन क्या करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया है कि दोनों कॉम्प्लेक्स फंक्शन जो W दे रखे हैं, जो पहला दे रखा है 1 माइनस जेड अपॉन वन प्लस जेड और दूसरा दे रखा है Z माइनस वन अपॉन जेड प्लस वन, अगर दोनों पे लगाए तो आउटपुट सेम ही आएगा, यानी अपन किसी एक को भी अगर चूज कर ले तो अपने पास सेम ही रिलेशन आएगा जो कनेक्ट करेगा W और Z को, यानी अपन पहले वाले को चूज कर ले, क्योंकि इस क्वेश्चन ने बोला है कि अगर दोनों पे ट्रांसफॉर्मेशन लगा दे, दोनों कॉम्प्लेक्स फंक्शन पे अगर ट्रांसफॉर्मेशन लगा दे W इज इक्वल टू एफ जेड वाले, एक पहला ये है दूसरा ये, दोनों पे लगाने पर सेम ही रिजल्ट आ रहा है, तो अपन किसी एक को चूज कर लेते हैं और दूसरे को भी अगर चूज करेंगे तो सेम ही आएगा, वो आप घर पे जाके कर लेना, ठीक है। तो मैं पहले वाले को चूज कर लेता हूं, तो पहला वाला क्या है, W की जगह 1 माइनस जेड अपॉन वन प्लस जेड और W बार लगा देंगे, तो इस पूरे पे बार लगेगा, तो अंदर जाके भी बार लगेगा, ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है, अंदर जाके नंबर पे बार नहीं लगेगा, सिर्फ फंक्शन पे ही लगेगा, तो 1 माइनस जेड बार अपॉन वन प्लस जेड बार माइनस वन इक्वल टू जीरो। अब यहां पे अपन एलसीएम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो वन प्लस जेड इंटू वन प्लस जेड इंटू वन प्लस जेड बार, और यहां पे आ जाएगा वन माइनस जेड इंटू वन माइनस जेड बार माइनस वन प्लस जेड इंटू वन प्लस जेड बार इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो इसको सॉल्व करना बहुत आसान है, जरा ध्यान से देखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पीछे क्या है अपना, देखो इसको सॉल्व कर लेते तो अपने पास क्या आएगा, ये आ जाएगा, देखिए 1 माइनस जेड और 1 माइनस जेड और उसके बाद आ जाएगा माइनस का जेड बार और प्लस का जेड इंटू जेड बार, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे दोस्तों क्या आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आएगा माइनस का वन माइनस का जेड माइनस का जेड बार और माइनस का जेड इंटू जेड बार, तो यहाँ पे जरूरी कुछ ना कुछ कैंसिल होगा, बिल्कुल ये कैंसिल हो रहा है और इसके अलावा वन और वन भी कैंसिल हो रहा है, माइनस जेड माइनस जेड माइनस टू जेड हो जाएगा, माइनस जेड बार और माइनस जेड बार क्या हो जाएगा, माइनस टू टाइम्स ऑफ जेड बार, यानी ओवरऑल अपने पास ऊपर क्या मिल जाएगा, माइनस टू टाइम्स जेड प्लस जेड बार, ठीक है। और नीचे देखिए क्या दे रखा था, वन प्लस जेड इंटू वन प्लस जेड बार, इसको भी मैं मॉडिफाई कर सकता हूं, कैसे, ये वन प्लस जो जेड बार है इसको ऐसे लिखा जा सकता है, वन प्लस जेड इस बार को अगर मैं पूरे पे ब्रैकेट में लगा दूं तो ये हो जाएगा वन प्लस जेड का होल बार और ये जेड इंटू जेड बार वापस क्या हो जाएगा, मोड वन प्लस जेड का स्क्वायर, ठीक है। तो ये अपने पास हो जाएगा मोड वन प्लस जेड का स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू आई है, ये वैल्यू अपने पास आई है मोड डब्ल्यू स्क्वायर माइनस वन की, किसकी वैल्यू आई है,
mod w square minus 1 की अपने पास ये वैल्यू आई है, ठीक है। किसी को अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो बता देता हूं, कॉम्प्लेक्स फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है इस बार को वापस अपन बाहर ले जाकर ब्रैकेट के ऊपर लगा सकते हैं, क्योंकि अपन ने जब शुरुआत में यही किया था कि अंदर जाके बाहर लगाया था तो उसको वापस हमने ब्रैकेट पे लगा दिया, ठीक है। तो 1 + z का होल बार हो गया, z * z बार वापस मोड 1 + z का स्क्वायर हो गया, तो उससे अपन ने नीचे वाली चीज को ऐसे लिखा है और ऊपर तो सारा कैंसिल हो गया था और माइनस 2 टाइम्स z + z बार हो गया था। अभी z + z बार क्या होता है, ये भी सिंपल चीज है, ये भी जरा ध्यान से देखिए। z एक्चुअली होता है x + iota y, कॉम्प्लेक्स नंबर, z बार उसका कंजुगेट है x - iota y। अगर दोनों को ऐड किया जाए तो z + z बार क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ x। x हमेशा कॉम्प्लेक्स फंक्शन का रियल पार्ट होता है, y हमेशा कॉम्प्लेक्स फंक्शन का इमेजिनरी पार्ट होता है, तो इसको ऐसा भी बोला जा सकता है कि z + z बार होगा 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z होगा। और अपने पास दे रखा है माइनस z + z बार की जगह 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z लिख दूं मैं तो यहां पे 2 ऑलरेडी है तो 4 टाइम्स हो जाएगा। तो इस 1 को भी अगर यहां भेज दूं तो mod w square की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 minus 4 times real part of z upon mod 1 plus z का whole square। तो दोस्तों ये वैल्यू मेरे पास w की आई है जिसमें मैंने इस वाले w को मैंने चूज किया था। अब अगर आप इस वाले w को चूज करें जिसमें सिर्फ डिफरेंस इतना है, नीचे तो 1 plus z यहां पे भी है, 1 plus z यहां पे भी है, सिर्फ यहां पे और यहां पे प्लस माइनस का फर्क है, यहां 1 माइनस z है, z माइनस 1 है। अगर आप इसको भी चूज करेंगे तो वापस ये ही आएगा, आप घर जाके कर सकते हैं, सेम टू सेम प्रोसेस लगा सकते हैं, बस आपको w ये चूज करना है। घर पे आप जरूर कीजिएगा, अगर नहीं आए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, अपन उस पर डिस्कस करेंगे। इस w को चूज करने पे भी वापस यही आपके पास आएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर यही बोला था कि अगर इन दोनों w पे सेम टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन लगे तो आउटपुट सेम टाइम का आता है, ठीक है। क्या आउटपुट है कि mod w, अगर w प्लेन में लेस देन इक्वल टू 1 होता है, सर्कल बनता है वहां पे, mod w इक्वल टू 1 मतलब सर्कल बनता है एक रेडियस का, तो यहां पे क्या हो जाता है, रियल पार्ट z ग्रेटर देन 0 होगा यानी इमेजिनरी एक्सिस होगी, या फिर रियल पार्ट z इक्वल टू 0 होगा यानी इमेजिनरी एक्सिस होगी, या फिर रियल पार्ट ऑफ z ग्रेटर देन 0 होगा यानी पॉजिटिव हाफ प्लेन आएगा। तो वो अपन यहां पे लगा के देखते हैं। देखिए पहला केस क्या बोल रहा है, यहां पे केस क्या है, रियल पार्ट ऑफ z ग्रेटर देन 0। तो पहले मैं यहां से रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू 0 वाला केस लगा लेता हूं। अगर रियल पार्ट ऑफ z 0 के बराबर करते हैं, यहां पे देखिए अगर रियल पार्ट ऑफ z 0 के बराबर हो गया तो ये पूरी चीज क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, 1 minus 0 यानी 1, तो यहां से क्या हो जाएगा, mod w square equal to 1 यानी mod w equal to 1 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू 0 होगा यानी अपनी अगर z प्लेन में यानी x और y यानी z प्लेन के अंदर अगर इमेजिनरी एक्सिस हुई, रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू 0 का मतलब इमेजिनरी एक्सिस अगर है तो वहां पे क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा w प्लेन के अंदर एक रेडियस का, mod w इक्वल टू 1 का मतलब एक रेडियस का सर्कल जिसका सेंटर क्या है, ओरिजिन है। तो z प्लेन में क्या बनेगा, z प्लेन में ये बनेगा और w प्लेन में क्या बनेगा, सर्कल बनेगा, mod w इक्वल टू 1। कब बनेगा सर्कल, जब रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू 0 हुआ यानी इमेजिनरी एक्सिस। दूसरा केस भी लगा देते हैं, दूसरा केस क्या, रियल पार्ट ऑफ z ग्रेटर देन 0 करा दूं। अगर रियल पार्ट ऑफ z अगर ग्रेटर देन 0 करा दूं तो आपको सोचिए ये हमेशा पॉजिटिव है क्योंकि मैग्नीट्यूड है mod 1 + z का स्क्वायर, ये हमेशा पॉजिटिव है। और इसको भी पॉजिटिव अगर करा गया रियल पार्ट ऑफ z को यानी x को अगर पॉजिटिव करा तो पूरी चीज आएगी पॉजिटिव, और ये 4 नंबर ऑलरेडी पॉजिटिव लेकिन बाहर लगा हुआ नेगेटिव साइन तो फिर ये पूरी चीज नेगेटिव हो जाएगी। और दिखती बात है 4 से मल्टीप्लाई हो रही तो 1 से हमेशा ज्यादा ही होगी, तो 1 से ज्यादा संख्या जो नेगेटिव में हो तो आउटपुट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, तो mod w अपना क्या हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अपने पास यहां पे दो टाइप की मैपिंग हुई। पहली मैपिंग क्या हुई, अगर रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू 0 हुआ यानी z प्लेन पे अगर y एक्सिस है इमेजिनरी एक्सिस है तो वहां पे कॉरेस्पॉन्डिंग w प्लेन के अंदर सर्कल बनेगा एक रेडियस का जिसका सेंटर क्या होगा, ओरिजिन होगा। और अगर रियल पार्ट ऑफ z ग्रेटर देन 0 हुआ यानी पॉजिटिव हाफ प्लेन हुआ, रियल पार्ट ऑफ z ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ, सारे पॉजिटिव पॉइंट ये वाले सारे पॉजिटिव पॉइंट, ठीक है, ये वाले सारे अगर पॉजिटिव पॉइंट हुए यानी पॉजिटिव हाफ प्लेन यहां पे है, अगर z प्लेन के अंदर रियल पार्ट ऑफ z ग्रेटर देन 0 है यानी x हमेशा पॉजिटिव है यहां पे, तो कॉरेस्पॉन्डिंग w प्लेन के अंदर क्या बनेगा, कॉरेस्पॉन्डिंग w प्लेन के अंदर जो सर्कल जो पहले बना था
उसके जो पॉइंट जो लाई कर रहे हैं सर्कमफ्रेंस पे वो ओरिएंटेड होंगे किसकी तरफ, सेंटर के टूवर्ड ओरिएंटेड होंगे, इंटीरियर रीजन वहां पे आएगा, मोड w लेस देन इक्वल टू 1, यानी सर्कल के सेंटर के पॉइंट जो है वो ओरिएंटेड होंगे सेंटर के टूवर्ड, उनका ओरिएंटेशन होगा ठीक है, यानी इंटीरियर रीजन आएगा अगर रियल पार्ट ऑफ जेड ग्रेटर देन 0 हुआ। तो यहां पे दो टाइप की मैपिंग हुई ठीक है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन की खासियत ये है कि बच्चे जनरली इस क्वेश्चन में कंफ्यूज जाते हैं कि दो W दे रखे हैं ये क्या हो रहा है, जबकि दोनों W के अंदर सेम टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा, किसी एक W को चूज कर लीजिए आप, और साथ में साथ आप एग्जाम के अंदर लिख भी सकते हैं व्हाइल चूजिंग द नेक्स्ट W वी विल गेट द सेम ट्रांसफॉर्मेशन। आप अगर नेक्स्ट W इसको चूज करेंगे Z माइनस 1 अपॉन Z प्लस 1 तो वापस मेरे फ्रेंड्स यही ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, दोनों W इक्वल टू एफ जेड के लिए सेम टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा, यानी एक में आएगी रियल पार्ट ऑफ जेड इक्वल टू 0 यानी इमेजरी एक्सिस, जेड प्लेन के अंदर क्रॉसपॉन्डिंग W प्लेन के अंदर सर्कल बनेगा जिसका सेंटर होगा ओरिजिन और रेडियस होगी यूनिटी यानी 1, और दूसरे वाले केस में अगर रियल पार्ट ऑफ जेड ग्रेटर देन 0 हुआ यानी पॉजिटिव हाफ प्लेन यानी एक्स ग्रेटर देन 0 वाले अगर अब पॉइंट आए अब्सिस के सारे पॉइंट आए तो क्रॉसपॉन्डिंग W प्लेन के अंदर सर्कल के सेंटर का इंटीग्रल रीजन वहां पे काउंट होगा, ओरिएंटेशन टुवर्ड द ओरिजिन होगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा, दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों प्लीज आपके आशीर्वाद की आपकी दुआओं की मुझे सख्त आवश्यकता है, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, और दोस्तों कौन कौन से टॉपिक है जिनको आपको सख्त आवश्यकता है जो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखे उन पर जरूर मैं दोस्तों मेहनत करके वीडियो बनाऊंगा ठीक है। दोस्तों इसके अलावा दोस्तों अगर आपको समय मिले तो प्लेलिस्ट पे जाके भी एक बार नजर जरूर डालें, वहां पे मैंने काफी वीडियोस बना रखे हैं शॉर्ट ट्रिक के, आईआईटी जेई के, इंजीनियरिंग मैथ्स के, और दूसरे भी काफी अच्छे अच्छे वीडियो बना रखे हैं, वो जरूर आप जाके देखें, वो आपको जरूर हेल्प करेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आपने समय निकाल के वीडियो देखा, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।